क्रियाकलाप सात एक वलय के गुरुत्व केंद्र को ज्ञात करना दी गई विधि में समझाया गया है कि कैसे गुरुत्व केंद्र प्राप्त किया जाता है इसी के आधार पर वलय का गुरुत्व केंद्र भी ज्ञात किया जा सकता है एक वलय का गुरुत्व केंद्र कहां होता है क्या किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र उसके बाहर हो सकता है जहां वस्तु का कोई द्रव्यमान नहीं है क्या वहां पर गुरुत्वीय केंद्र हो सकता है स्थिरता स्थिरता के लिए गुरुत्वीय केंद्र की जगह ज्ञात करना आवश्यक है किसी भी आकार के वस्तु के गुरुत्वीय केंद्र से एक रेखा नीचे की ओर खींचिए यदि वह वस्तु के आधार के अंतर्गत है तो वस्तु स्थिर रहेगी यदि गुरुत्वीय केंद्र वस्तु के आधार के बाहर होता है तो वस्तु अस्थिर होती है